हम व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर, बट रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? हमने अपने वुड बी क्लाइंट्स पे, प्रॉस्पेक्ट्स पे व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू कुछ कंटेंट भेजा वाया मोबाइल या सॉफ्टवेयर, बट कोई रिवर्ट नहीं आया उनका, वो कन्वर्ट नहीं हुए, उनकी क्वेरी नहीं आई। ठीक है ना? मतलब हमने वी वर नॉट एबल टू कन्वर्ट अ लीड इनटू सेल्स। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देर इज अ साइंस बिहाइंड इट। क्या साइंस है? कि व्हाट्सअप सेंडिंग अलग है, व्हाट्सअप मार्केटिंग अलग है। हम लोग व्हाट्सअप सेंडिंग करते हैं, व्हाट्सअप भेजना, इस व्हाट्सअप सेंडिंग, इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिजल्ट भी आएगा, प्रॉस्पेक्ट आपको रिप्लाई करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो व्हाट्सअप मार्केटिंग से होता है। ठीक है, सो सीइंग ऑल दिस आई डिसाइडेड टू मेक अ 30-day क्रैश कोर्स ऑन व्हाट्सअप मार्केटिंग। ठीक है, लेट मी टेल यू, माई नेम इज रुशनीक सिंह, आई एम अ बिजनेस ओनर कन्वर्टेड अ सेल्स ग्रोथ एक्सपर्ट, राइट? एंड सीइंग ऑल दिस मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि सर व्हाट्सएप मार्केटिंग में कुछ बताइए, तो आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ क्रैश कोर्स, 30-day क्रैश कोर्स ऑन व्हाट्सएप मार्केटिंग। ठीक है, सो लेट मी टेल यू कि अगर आप अभी तक मेरी कम्युनिटी में नहीं हैं, तो आई हैव गिवन द लिंक विद दिस वीडियो फॉर माई VIP क्लब कम्युनिटी। ठीक है, क्लिक द लिंक एंड बी इन द ग्रुप। मैं क्या करता हूँ, आई रेगुलर पोस्ट वीडियोज़ ऑन ब्रांड मेकिंग, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन, USP, वो सब कुछ। ठीक है ना? सो अगर आप कम्युनिटी में हैं, मेरी कम्युनिटी में, तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस वाया मैसेज। ठीक है, सो नाउ एंजॉय योर कोर्स, इट्स 30-day कोर्स। ठीक है, आई डोंट नो कि आप कौन सी वीडियो से में देखेंगे, बट येस यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट, आपको बाकी सारी वीडियोज मिल जाएंगी। राइट, सो एंजॉय द कोर्स। राइट, बाय बाय, टेक केयर। वेलकम टू डे 13। राइट, क्या हाल चाल है जी आप सबके? ग्रेट, फैंटास्टिक। सो लेट्स मूव ऑन टू डे नंबर 13 ऑफ व्हाट्सएप मार्केटिंग। जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू माई स्क्रीन। Here it is. Yes. हमने कल बात की कि स्टॉप फीचर्स स्टार्ट बेनिफिट्स। ठीक है, आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल कि मैं एक शूज स्टोर में गया, तो वहां उसने सिर्फ फीचर्स बताए, बट बेनिफिट्स क्या थे उसको पता नहीं था। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज कि नाउ दिस इज फॉर यू, योर एक्सरसाइज, योर होमवर्क, फॉर योर प्रैक्टिस। आपने बताना है कि मैं इस जिम में गया एग्जाम्पल, तो जिम वाला ये गाना गा रहा था कि भाई हम सुबह 6 बजे खुल जाते हैं, 10 बजे बंद होते हैं, हमारी इतनी ब्रांचेस हैं, हम प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं, ये सब फीचर्स हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं आपने वो लिखने हैं। ठीक है, वाई आई एम टेलिंग यू, वाई एम गिविंग दिस एक्सरसाइज, बिकॉज कि आपकी परफेक्शन आ जाए, कि हाँ भाई परफेक्शन आ जाए, हाउ टू कन्वर्ट अ फीचर इनटू बेनिफिट। अगर आपको वो करना आ गया तो बस समझ लो काम हो गया, और आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को बेनिफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दिस इज फॉर यू, मस्ट एक्सरसाइज है, इसको कर लोगे एक्सपर्टीज आ जाएगी, नहीं करोगे इट्स योर चॉइस, बट करनी पड़ेगी। ठीक है ना? आप जिम में गए, जिम वाले ने बोला कि वी आर ओपन टू 6 AM टू 10 PM, ये फीचर है, इसका बेनिफिट क्या है लिखो, हमारी इतनी ब्रांचेस हैं, ये फीचर है, बेनिफिट क्या है लिखो, हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेनर्स की टीम है, ये फीचर है, हमारा क्या बेनिफिट है इसमें वो लिखो, हमारे पास कार्डियो खिंच जाती है, ये फीचर है, मेरा क्या बेनिफिट इसके अंदर वो लिखो। ऐसे ही लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी जो मशीनरी है वो इम्पोर्टेड है सारी, ये फीचर है, इसका बेनिफिट क्या है हमें, यू हैव टू राइट इट डाउन कि बेनिफिट्स क्या है इसके। ठीक है, वन मोर एक्सरसाइज फॉर यू। मैंने ये एक मैं अपने घर से ऑफिस आ रहा था, मैंने ये एक इसको बैनर का बोलूंगा, ये एड बैनर एड वो देखी मैंने, एक जो पोल्स पर लगी होती है ना वो देखी। तो अग्रवाल जी ने बहुत बड़ा 15 स्क्वायर फीट का एक मार्ट खोल दिया, एक शॉपिंग स्पेस खोल दी, बट क्या लिखा है उन्होंने, 15,000 स्क्वायर फीट स्टोर, ये फीचर है या बेनिफिट है? आस्क योरसेल्फ, 15,000 स्क्वायर फीट स्टोर, ये फीचर है या बेनिफिट है? ठीक है, टाइप इन द कमेंट बॉक्स।
ये फीचर है, बेनिफिट है, एंड आई विल सी द कमेंट्स, राइट। सो जब आपको ये समझ आ जाएगा, ये करना आ जाएगा कि हाउ टू कन्वर्ट अ फीचर इनटू बेनिफिट, तो आपकी मास्टरी आ गई, ठीक है। फिर आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स लिखोगे पहले, देन उसके बेनिफिट्स लिखोगे, और फिर हम बात करेंगे क्या करना है, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट मी क्रिएट योर यूएसपी, ठीक है। ये सारा चैप्टर यूएसपी के ऊपर ही चल रहा है अभी, कि मैंने बताया था आपको कि अगर यूएसपी नहीं है तो यू विल हैव टू फाइट फॉर प्राइस एंड पेमेंट एंड ऑल फॉर योर लाइफ, ठीक है। सो लेट मी शेयर यू सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट यूएसपी। हाँ, प्लीज लेट मी नो कि हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर, डोंट टॉक अबाउट प्राइस। मतलब क्या है इसका, कि हम लोग ना एक गाना गाते हैं, सारे पूरे इंडिया का एक गाना है कि हमारा प्राइस बेस्ट है, हमारा प्राइस कम है, हमारी क्वालिटी बेस्ट है, हमारी सर्विस आउटस्टैंडिंग है, ये सारा गाना गा रहे हैं। इस गाने के ऊपर ना इंडियन कस्टमर को बहुत ही धोखा मिला है। इंडिया सारे बोलते हैं बट प्राइस भी ऊपर होता है, क्वालिटी किसी ने काम की होती है, और सर्विस तो होती नहीं है आफ्टर सर्विस तो, ठीक है, धोखा मिला। तो इस पॉइंट को ना इंडियन कस्टमर सुनता समझता नहीं है, ही नोस कि वो झूठ बोला जा रहा है, क्वालिटी बेस्ट है, प्राइस बेस्ट है, सर्विस बेस्ट है, पता ये झूठ है, तो इसको वो मानता ही नहीं है। तो आप अपने कंप्यूटर से कैसे अलग हो, लिख के बताओ, लिखो अपने पास, डू नॉट टॉक अबाउट द प्राइस क्वालिटी एंड सर्विस इन दैट सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट बताया मैंने वही, आपकी क्वालिटी ऐसे डिफरेंट है, आप एक्सप्लेन कैसे करोगे उसको, आपकी क्वालिटी डिफरेंट है, आप बोलते हैं क्वालिटी डिफरेंट जी बेस्ट है, व्हाई, हाउ, कैसे, हाउ विल एक्सप्लेन दैट, ठीक है। ऐसी सर्विस आ गई, हमारी सर्विस वर्ल्ड क्लास है जी, ठीक है, एग्जांपल, कैसे, हाउ, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस, हाउ कुड आई नो कि आपकी सर्विस बेस्ट है, एग्जांपल क्या है उसका, वो लिखना है आपने, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एनीथिंग दैट सॉल्व्स कस्टमर प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपके प्रोडक्ट के फीचर या बेनिफिट में ऐसा कुछ है जो सॉल्व्स कस्टमर्स प्रॉब्लम और मेक्स देम हैप्पी, कंफर्टेबल, फ्रस्ट्रेशन फ्री, एम्बेरसमेंट फ्री, रिस्क फ्री, गिव्स बेनिफिट, एफर्ट रिड्यूस करता है उनका, एक्साइटमेंट देता है उनको, ऑपरेशनल टाइम सेविंग है, या फिर स्टेटस सिंबल में उसका बड़ा बेटर होता है, या फिर हेल्थ पावर देता है। आपके प्रोडक्ट को सुन समझ के देखते ही कस्टमर के मन में क्या आता है, क्या ये कुछ आता है, आपका प्रोडक्ट ऐसा कुछ दे रहा है उसको, नहीं दे रहा तो ढूंढो उसको, कैसे देगा, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, लिखो उसके उसके बेनिफिट्स लिखो, तो आ गए सामने, ठीक है। सो लेट मी यस, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपने एक बुक ऑर्डर ली है तो किसको दोगे आप? इफ यू हैव टू ऑर्डर अ बुक ऑनलाइन, कहाँ से मंगाओगे? अमेजोन। टैक्सी बुक करनी है, ओला या उबर, और फूड ऑर्डर करना है, स्विगी या फिर जोमेटो। हम क्यों करेंगे ऐसा? बिकॉज हमारे बैक ऑफ द माइंड में इन कंपनीज की एक पोजिशनिंग बन गई है कि भी ये बेस्ट कंपनी है फॉर इसके लिए, टैक्सी के लिए ओला उबर बेस्ट है, फूड के लिए घर मंगाना है तो स्विगी इसमें तो बेस्ट है, बुक्स के लिए अमेजोन फ्लिपकार्ट बेस्ट है। क्यों? बिकॉज दे हैव मेड अ पोजिशनिंग इन अवर माइंड, ठीक है। चेक योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की पोजिशनिंग बन चुकी है मार्केट में, आपके कस्टमर के माइंड में बनी है? अगर तो बन गई है, ग्रेट, हम इस पर काम करेंगे, इस पर खेलेंगे, ठीक है। अगर नहीं बनी, वी हैव टू फाइंड आउट कैसे निकलेगी, प्रोडक्ट फीचर्स बेनिफिट्स, प्रोडक्ट फीचर्स बेनिफिट्स, प्रोडक्ट फीचर्स बेनिफिट, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, उम्मीद है कि आप द पॉइंट आई वॉन्ट टू ड्राइव वो आप समझ गए होंगे, कि आपका प्रोडक्ट में अगर कोई फीचर है तो बेनिफिट भी होगा, अगर नहीं है तो मुश्किल है उसका कंपीट करना मार्केट में, ठीक है। ये होगा तभी हम अच्छा मार्केटिंग आगे लेके जाएंगे, नहीं है तो ढूंढ लो उसे, ठीक है। सो बाय बाय फॉर टुडे एंड आई विल सी यू टुमारो, राइट, बाय।